Now, dear students, याद रखना है कि हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स होते हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कि आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कौन से रिस्पायरेशन में होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है। उसके लिए दो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। एक, आपके पास सेल में क्या होना चाहिए? इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक, आपके पास सेल में ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए शर्त क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आपके पास सेल में कौन सा ऑर्गेनेल होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। लिसन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया इंतहाई अहम है, और ये याद रखना है डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास सेल में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन होता है लेकिन इफ देयर इज लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन दैट सेल, देयर विल बी नो एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सेल में इनफ ऑक्सीजन है लेकिन आपके पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। और मैंने बताया कि आपके पास बॉडी में इसी तरह के सेल्स है जहां पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो मैंने बताया अभी रेड ब्लड सेल मैच्योर आरबीसी में नो माइटोकॉन्ड्रिया। मैच्योर आरबीसी में डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो याद रखना है देयर वुड बी नो एरोबिक रिस्पायरेशन, देयर वुड बी नो एरोबिक रिस्पायरेशन इन RBCs. RBC में डियर स्टूडेंट्स एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। ऑल दो RBCs contain enough amount of oxygen. So we can say that RBCs are harnessed transporter of oxygen. This student intihai aham point hai. Maine bataya ki RBC, in RBC we have no mitochondria, therefore there would be no aerobic respiration. Although there is enough amount of oxygen present in the RBC, but what we lack is mitochondria, ठीक है student? तो we can say that RBC are harness transporter of oxygen, क्योंकि आपको पता है dear students RBC में क्या होता है? Hemoglobin. अगर hemoglobin होता है तो hemoglobin क्या करता है? To carry oxygen. ये oxygen को क्या करता है? Carry करता है. So we have enough amount of oxygen present in the RBC, but we lack mitochondria. Therefore, aerobic respiration would not take place in case of RBC, although we have enough amount of oxygen. So it's mean mitochondria is very very important. Mitochondria aham hai. Agar cell mein mitochondria organelle nahi hogi to wahan pe aerobic respiration nahi hogi. To isliye hum kehte hain ki mitochondria is known as powerhouse of the cell, aur ye kis mein help karta hai? Cellular respiration mein help karta hai. To RBC mein aerobic respiration nahi hogi. Clear ho gaya students? Now student, listen carefully. Now it must be noted that respiration completed in three steps. एक को हम कहते हैं student glycolysis, एक को हम कहते हैं Krebs cycle, एक को हम कहते हैं dear students electron transport chain. तो respiration कितने step में होती है dear students? Three step में होती है. लेकिन ये कौन सी respiration? Aerobic respiration dear students. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है एरोबिक रिस्पायरेशन कितने स्टेप्स में होती है? तीन. एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, एक को हम कहते हैं क्रिप्स साइकिल, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये कौन से सेल्स में होगी? याद रखना डियर स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन कौन से सेल्स में होती है? जिस सेल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हो, और दूसरा कौन सा ऑर्गेनेल हो? माइटोकॉन्ड्रिया.
अगर इन दोनों में एक भी ना हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी। क्लियर होगी सर? आरबीसी की एग्जांपल मैंने दिया। नाउ स्टूडेंट याद रखना है ग्लाइकॉल, हमने कहा कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मोर एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, और हमने कहा कि आरबीसी में रेड ब्लड सेल में वी हैव नो एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाई? बिकॉज आरबीसी लैक मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल्दो आरबीसी कंटेन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बट वी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर वी कैन से दैट इन आरबीसी देयर वुड बी नो एरोबिक रिस्पायरेशन। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ आरबीसी ओनली ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ मीन आरबीसी में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता। क्यों डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया लाजमी है। ठीक है, तो अगर सेल में, लेट सपोज अगर एक सेल में हमारे पास वी हैव enough amount of oxygen but if there is no mitochondria it's mean that there would be no aerobic respiration, means wahan pe Krebs cycle or electron transport chain nahi hoga. To isliye mitochondria is very 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 important and vital organelle which helps in cellular respiration. So therefore we can say that mitochondria is known as powerhouse of the cell. Theek hai, MCQs mein aa sakta hai. अब डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस हमारे पास किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कहां पे होता है? साइटोसोल में। क्यों साइटोसोल में होता है? क्योंकि साइटोसोल में वही एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। वो एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो साइटोसोल में होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस में? 2-pyroic acid में। किसमें कन्वर्ट होता है? 2-pyroic acid। तो 2-pyroic acid कहां पे बनता है हमारे पास? बनता है साइटोसोल में। साइटोप्लाज्म के कौन से पार्ट में होता है? साइटोसोल में। तो जब व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyroic acid, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। एंड वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोसोल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, the Krebs cycle and electron transport chain take place in mitochondria. Listen very carefully. के आपके पास जो Krebs cycle होती है डियर स्टूडेंट्स और electron transport chain जो process होता है, ये दोनों process कहां पे होते हैं? mitochondria में होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि mitochondria में हमारे पास majority या maximum ATP production होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्रिप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट की ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ना मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? 2-pyroic acid। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? और ये पायरोइक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है? 2-acetyl-CoA में। और ये कहां पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वहां पे आपके पास क्या होता है? क्रिप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? ये आपके पास हो गया क्रिप साइकिल। ठीक है, ये है क्रिप साइकिल। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? तो याद रखना है कि ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2-pyroic acid में। कहां पे डियर स्टूडेंट्स? होता है साइटोसोल। साइटोसोल इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वहां पे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? 2-pyroic acid में। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये मल्टीपल स्टेप्स है, ये तकरीबन 10 स्टेप में होता है। आपके पास डायरेक्ट ग्लूकोज पायरोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बायो एनर्जेटिक चैप्टर्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyroic acid, हाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyroic acid। सो वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4, दिस इज बायो एनर्जेटिक। क्लियर? नाउ जब डियर स्टूडेंट, नाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyroic acid इन मल्टीपल स्टेप्स। सो इन दिस प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स, वी हियर रिलीज एटीपी एनर्जी।
यहाँ पे क्या रिलीज होगा डियर स्टूडेंट्स, एटीपी एनर्जी रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, एनएडीएच। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कुछ अब याद रखना है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म है या वहां पे जो साइटोसोल में क्या होते हैं आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास क्या होता है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया कि टोटल आपके पास 4 एटीपीज बनती है, ये हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे 2 एटीपी यूज होते हैं तो नेट एटीपी कितने बनते हैं, 2 एटीपीज, और तकरीबन 34 तक एटीपीज कहाँ पे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो मेजॉरिटी जो मतलब मैक्सिमम एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिप्स साइकिल होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल में। ये तीन स्टेप हम किसके पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए, कि जब आपके पास सेल्स में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी हैव मैक्सिमम ऑक्सीजन, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, देन means Krebs cycle and ATC will take place. तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, की ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पायरोइक एसिड में, यहाँ पे आपके पास कुछ एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, एनएडीएच भी रिलीज होता है, और ये पायरोइक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में, और ये एसिटाइल कोए कहाँ पे एंट्री करता है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, जहां पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्रिप्स साइकिल होता है। तो क्रिप्स साइकिल में आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और क्रिप साइकिल के बाद लास्ट स्टेप क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन का, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर होगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होती है, और ये भी कहाँ पे होता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्लियर हो गया? तो एरोबिक रिस्पायरेशन में याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, तीन स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पहले होता है, फिर क्रिप्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। कब होगा, व्हेन वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ऑल्दो आरबीसी में आपके पास बहुत ऑक्सीजन है, बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आरबीसी आपके पास हॉनेस्ट ट्रांसपोर्टर है, ईमानदार ट्रांसपोर्टर है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता। क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्यों हार्ट वो जो है ना ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, इसलिए कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती। तो आरबीसी में डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि सिर्फ क्या बनता है आपके पास, क्या होता है, ओनली ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पायरोइक एसिड में, लेकिन वहां पे क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्यों क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर क्यों मतलब नहीं होता, इसलिए कि आपके पास जो क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, वो एंजाइम कहां पे होते हैं स्टूडेंट्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और व्हिचएवर आरबीसी में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। Therefore, we can say that Krebs cycle as well as electron transport chain do not take place in case of mature RBC because lack of what mitochondria. Although we have enough amount of oxygen. Clear हो गया डिस्ट्रेंट? Now, तो याद रखने डिस्ट्रेंट कि यहाँ पे pyruvic acid lactic acid में convert होगा, ठीक है? या अल्कोहलिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो आप आपके पास फिर एटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, ठीक है। नाउ इफ इफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू पायरोइक एसिड एंड वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, देन दिस पायरोइक एसिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू to acetyl CoA and this acetyl CoA will enter into the mitochondria where which is take place Krebs cycle and electron transport chain would be take place and this way maximum ATP are produced in the cell. So dear student, this is all about mitochondria. So we have discussed mitochondria in a very detail.
किडनी स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो रॉड शेप होता है, ठीक है। कितने मेम्ब्रेन होते हैं, टू। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना लेस प्रोटीन से बना होता है और मोर लिपिड्स होते हैं, तो इसलिए वो परमिएबल होता है। जो इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टा, और क्रिस्टा में मैक्सिमम या मोर प्रोटीन से बना होता है और लेस लिपिड से बना होता है, तो वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और उसमें जो इनर क्रिस्टा में जो आपके पास वो होती है, क्रिस्टा में आपके पास जो प्रोटीन होती है, मैक्सिमम प्रोटीन, मोर कंटेंट ऑफ प्रोटीन, वो इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास मैट्रिक्स होता है, इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट, डबल स्ट्रैंडेड होता है सर्कुलर, एक एस स्ट्रैंड होता है और एक एल स्ट्रैंड होता है। कितनी जीन्स होते हैं, 37 जीन्स होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना अपनी राइबोसोम भी हो सकती है, और वो राइबोसोम कितनी साइज है, 70S है, ठीक है, वो प्रोक्रियाट के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा कि हमारे साथ मैट्रिक्स में डाइवेलेंट्स आयंस होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंजाइम्स होते हैं जो सेल रिस्पायरेशन में काम आते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको उस इंजाइम को क्या करते हैं, उस इंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, वो आयंस उस इंजाइम्स को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्टिवेट करते हैं, ठीक। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है डियर स्टूडेंट, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें डीएनए होती है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। और इसकी जो डीएनए है डियर स्टूडेंट्स वो स्टेबल होता है। क्यों होता है, वो डीनेचरेशन टेम्परेचर उसका क्या होता है, हाई होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि उसमें आपके पास क्या होते हैं, जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। वी हैव मोर इन नंबर ग्वानिन एंड साइटोसिन एस कंपेयर टू एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन और थायमिन की बनिस्बत क्या होता है हमारे पास, ग्वानिन और साइटोसिन क्या होता है, मैक्सिमम इन नंबर होता है, ठीक है। तो तीन बॉन्ड को ब्रेकअप करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन तादाद में क्या होते हैं, नंबर में ज्यादा होता है, इसलिए इन तीन बॉन्ड को ब्रेकअप करना मुश्किल होता है। सो वी नीड हाई एनर्जी वुड बी रिक्वायर इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दी बोथ स्ट्रैंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बिकॉज वी हैव मैक्सिमम ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो किधर से आता है, मदर साइट से आता है, ठीक हो गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। फिर मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है, वो हीम पार्ट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो हीम पार्ट जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है, वो आयरन पार्ट, वो करता है आपके पास डियर स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और दूसरा हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी में वो क्या करता है, ठीक है। सो इन एरोबिक रिस्पायरेशन वी हैव मैक्सिमम एटीपी एनर्जी। व्हाई, बिकॉज देयर आर थ्री process take place, one is glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। और याद रखना dear students कि aerobic respiration के लिए शर्त क्या है, कि एक तो cell में क्या होता है, the cell would be enough amount of oxygen and as well as mitochondria। आप अगर एक cell में आपके पास enough oxygen है लेकिन mitochondria नहीं है, तो वहां पर Krebs cycle और ATC electron transport chain नहीं होगा। इन केस ऑफ आरबीसी, आरबीसी में आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, बट वी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर क्रिप्स साइकिल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वुड नॉट टेक प्लेस। सो हमारे पास आरबीसी में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आरबीसी में नहीं होता। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ बाकी जो हमारे पास सेल्स है डियर स्टूडेंट, एंड इफ दिस सेल्स कंटेन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, देन फर्स्ट स्टेप वुड बी अकर ग्लाइकोलिसिस। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyruvic एसिड। नाउ दिस 2-pyruvic एसिड
will be converted into 2 acetyl CoA. Now in a cell, if we have enough amount of oxygen and as well as mitochondria, this 2 acetyl CoA would be enter into mitochondria where Krebs cycle would take place, where Krebs cycle would take place and then electron transport chain would take place. Therefore, maximum ATP would be produced. So, हमारे पास ATP क्या होगा, dear student? Maximum amount में ATP produce होगा, ठीक है? So, this was the introduction of mitochondria. I think इस पे तो मैंने जितनी बातें कही है, तो वो enough होगा, ठीक है, dear students? ETA के लिए से भी मैंने MCQs आपको बता दिए कि कौन-कौन से आपके पास MCQs आ सकते हैं, ठीक हो गया dear students? So, ये मैंने introduction बता दिया, ठीक है? और बाकी आप लोगों इस तरह करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक हो गया? नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के नाम से है, नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के नाम से है, ठीक है? तो इसमें इस तरह है कि आपको जो मैं आने वाले और वीडियोस करूंगा, तो जाहिर बात है वो आपके पास वो आएंगे फिर, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट जरूर कर लेना कि मतलब टॉपिक में कोई मसला है या समझ नहीं आए, ठीक है? समझ नहीं आए टॉपिक तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूं, मेथड को भी चेंज कर सकता हूं और बाकी, ताकि आप लोग, क्योंकि ये वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और बाकी इस वीडियो को जो आप देखते हैं, तो काइंडली दूसरे दोस्तों के साथ भी आप लोगों ने इसको शेयर करना है, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता एकेडमी, ठीक है? अगर किसी के पास मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो एकेडमी, ठीक है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे माशरे में भी डियर स्टूडेंट्स इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो फाइनेंशियली लिहाज से वो एकेडमीज वगैरह जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये वीडियो खासकर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए खासकर हम करते कि मतलब कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमी, तो सब लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ताकि सबको फायदा पहुंच सके, ठीक है? क्योंकि हुजूर सल्लम की हदीस भी है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुछ सीखे और उसे दूसरों को सिखाए, ठीक है? मतलब जिसके पास जितनी भी वो है तो सबके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।